स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन के अंदर इस नंबर की कॉल अदर नंबर पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद आपके सामने इस पर करंट इंटरफेस ओपन हो जाता है। राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स में जाएंगे आप। सेटिंग में आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट्स। कॉलिंग अकाउंट्स में जाएंगे। कॉलिंग अकाउंट में जाने के बाद कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर जाएंगे। सिंपली आपको वीडियो कॉल फॉरवर्ड करनी है वॉइस कॉल, तो हम वॉइस कॉल को सेलेक्ट कर लेते हैं। वॉइस कॉल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर मिल जाता है रीडिंग सेटिंग। इसमें आपको फ़ोन लगभग यहाँ से आपको 30 सेकंड या 1 मिनट का समय ले लेता है जब तक आपकी सेटिंग रीडिंग कर रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, थोड़ी देर आपको यहाँ वेट कर लेना है जब तक आपका फ़ोन सेटिंग रीडिंग करता है। सिंपली यहाँ से हम वेट कर लेते हैं जब तक हमारा फ़ोन सेटिंग रीडिंग कर रहा है। ये 4 ऑप्शन है जो हमारे ऑन हो जाएंगे। 4 ऑप्शन होने के बाद हमारे फ़ोन की सेटिंग जो रीडिंग कर रहा है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। 2 ऑप्शन ऑन हो चुके हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। अभी फ़ोन हमारा सेटिंग कर रहा है, थोड़ी देर आपको सेटिंग जो रीडिंग कर रहा है वेट कर लेना है इसमें आपको। ओके, अब ये सेटिंग चल रही है क्योंकि नेटवर्क इशू भी हो सकता है। अगर नेटवर्क फास्ट हो तो थोड़ा जल्दी भी कर लेता है ये। तो सेटिंग रीडिंग कर रहा है, 2 ऑप्शन हमारे ऑप्शन हो चुके हैं, 2 ऑप्शन हमारे ऑन हो चुके हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं, उन्हें भी सेटिंग रीडिंग कर रहा है। थोड़ी देर में आपके कंप्लीट हो जाते हैं ये भी। तो भाई नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा स्लो कर रहा है ये। अगर आपके यहाँ नेटवर्क फास्ट हो तो थोड़ा जल्दी भी कर लेता है। वैसे 1 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है इसमें जो हमारी सेटिंग रीडिंग कर रहा है फ़ोन। तो सिंपली आपको थोड़ी देर यहाँ से वेट कर लेना है जब तक आपकी सेटिंग रीडिंग करनी है। इसमें आपको कोई भी बटन नहीं प्रेस करना है, ना ही तो आपको बैक करना है यहाँ से। अगर आप बैक कर देंगे तो आपको दोबारा से फिर से इतना टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई भी बटन नहीं छेड़ना है जब तक आपका फ़ोन सेटिंग रीडिंग कर रहा है। तो आपकी जो सेटिंग रीडिंग है उसे सेटिंग रीडिंग करने दें। तो सिंपली आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है इसमें जब तक ये सेटिंग रीडिंग करता है। तो फाइनली हमारे ये 3 ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। लास्ट वाला ऑप्शन बचा है, ये वाला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्क्रीन में जो हमारे 3 ऑप्शन है वो ब्लैक हो चुके हैं, 4 ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन के जो हमारी सेटिंग रीडिंग कर रहा था वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको ऑलवेज फॉरवर्ड वाला ऑप्शन ऑफ है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इसमें आपको अपना नंबर डाल देना है जिस पर आपको कॉल फॉरवर्ड करनी है। सिंपली इसमें नंबर ऐड कर देते हैं। इसमें हमने ये नंबर डाला है जिसमें इस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उसकी कॉल आप वापस से इस नंबर पर जाने जाएंगे जो नंबर इसमें ऐड किया है। ये हमारे दूसरे फ़ोन नंबर है, तो इसमें हम इसे ऑन अपनी कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस नंबर पे। तो सिंपली हमें नंबर ऐड कर दिया, इसे हम कर देते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन करने के बाद अपडेटिंग सेटिंग कर रहा है। इसमें आपको फिर से 1 मिनट का समय ले लेता है सेटिंग अपडेट करने के लिए। अब जैसे ही आपका ये अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप में जो इस फ़ोन में जो सिम कार्ड है उसकी सारी कॉल वापस से इस नंबर पर जाना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर मिल जाता है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल टू दिस नंबर, इस नंबर पे हमारी सारी कॉल फॉरवर्ड हो चुकी है। तो इस प्रकार से अपनी फ़ोन के अंदर अपनी कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अपनी वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे।